वेलकम एवरी वन टू एक्सप्लोरिंग आइडियाज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरोसेंट लैम्प, जो हम कॉमनली बोलते हैं ट्यूबलाइट, उसका कंटेंट्स, उसका डिवाइसेस, स्टार्टर, चोक कॉयल, बालास, जो जो उसके सब अंदर में है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल इंडिविजुअली हम अब डिस्कस करने आज डिस्कस करेंगे आगे। सो लेट स्टार्ट। एक डिस्क्रिप्शन हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले दे रहा है, ठीक है ना। डिस्चार्ज लैम्प That uses fluorescence, okay, fluorescence to produce visible light। ये एक लाइन में एक हो गया। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में कि कैसे कैसे हो रहा है ये सब। एन इलेक्ट्रिक करंट इन द गैस, हाँ ये बोल सकते हैं, इन द गैस एक्साइट्स मर्करी वेपर। जो मर्करी वेपर है ना, ये ट्यूबलाइट के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे रहता है। ये बहुत लो प्रेशर में रहता है। ये क्यों रहता है लो प्रेशर में, आगे बताएंगे। मर्करी वेपर विच प्रोड्यूसेस, ये मर्करी वेपर के वजह से क्या क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस शॉर्ट वेव UV light that then causes a phosphorus coating on the inside wall of the, जो ये wall है ना, इसके सारे wall में phosphorus coating कर देते हैं। inside wall में phosphorus wall का glass tube के अंदर में phosphorus coating रहता है। और यहाँ पे दोनों एक filament रहता है, ये एक filament और ये एक filament रहता है। When these two filaments, ये जो दो filament रहता है, इन दोनों filament actually potential difference create होता है। जब भी ये potential difference sufficient enough हो जाता है, ये क्या करता है, electric discharge create करता है ये दो gap के बीच में। तब electrons का principle ही क्या है, ये high voltage हो गया, ultimately low voltage हो गया। एक current यहाँ पे आके ये high voltage में होगा, high voltage हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों फिलामेंट है, इस दोनों के फिलामेंट बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा और करंट एक्चुअली फ्लो होगा। और जब भी करंट फ्लो हो जाएगा, तब भी वो ट्यूबलाइट ग्लो हो जाएगा। अब इसको डिटेल्स में हम बताने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। पहले बताएंगे कनेक्शन एक्चुअली कैसे कटता है इसका, ट्यूबलाइट का कैसे होता है। ये सब करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बालास्ट चाहिए। बालास्ट जो हम बोलते हैं चोक कॉयल होता है, ये भी हम आगे पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे। ये होता है स्विच, जो ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करने के करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं से सोर्स आ रहा है, तो यहाँ स्विच जैसे ऑन करेगा, ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे, पहले क्या करेगा, ये बालास्ट में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, इस फिलामेंट के अंदर जाएगा, वहाँ से फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे जाके स्टार्टर के अंदर जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, बालास में भी करंट जा रहा है, इस फिलामेंट में जा रहा है, इसके बाद फिलामेंट से भी ये स्टार्टर में जा रहा है। ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट जो पहले ग्लो करता है, इसको ग्लो करने के लिए हमको चाहिए 800 to 900 volt। जो हमारा जो नॉर्मल सोर्स है, वो एक्चुअली कितना सोर्स है, 230 volt वाला सोर्स होता है एक्चुअली। नॉर्मल हाउस होल्ड जो हमारा सप्लाई होता है, वो 230 volt सप्लाई होता है। तो एक्चुअली हमको ये ट्यूबलाइट ग्लो नहीं करने वाला है, हमको चाहिए इतना 800 to 900 volt। एक्चुअली ये क्यों चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इतना चाहिए। अब ये क्यों चाहिए आगे बताएंगे डिटेल्स में, बहुत डिटेल्स में बताएंगे। तो 230 volt तो यहाँ पे ब्लास्ट में जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा वोल्टेज। ब्लास्ट एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक आयरन बार है, उसके ऊपर में एक आयरन कॉपर वाइंडिंग है, जो एक्चुअली जब भी ये करंट फ्लो होगा, फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सब कॉपर वाइंडिंग्स के थ्रू में करंट जा रहा है। तो क्या होगा, ये तो करंट थोड़ा सा करंट, ये 230 volt से कितना करंट, जो करंट आ रहा है, तो वो बहुत कम है। ये 800 to 900 volt क्रिएट करने के लिए इतना तो वोल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वोल्टेज क्रिएट होगा उसमें से। जब ये थोड़ा सा वोल्टेज क्रिएट होके जब ये फिलामेंट के अंदर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इतना मतलब सफिशिएंट क्रिएट नहीं होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ट्यूबलाइट भी नहीं जलने वाला है। तो ये यहाँ से वोल्टेज आके कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर से यह
स्टार्टर में चला गया। तो स्टार्टर का एक्चुअली काम क्या है ये हम बताएंगे। तो स्टार्टर में एक्चुअली जाके ये जब हाई करंट, स्टार्टर में स्टार्टर का एक्चुअली काम क्या होता है, वो हाई करंट प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली कनेक्शन हम बता दिए, तो हाई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो, मतलब यहाँ पे हाई करंट एक्चुअली प्रोड्यूस होकर यहाँ पे आके यह फिलामेंट में आएगा। जब भी ये फिलामेंट में हाई करंट प्रोड्यूस होकर ये फिलामेंट में आ गया, तो ये फिलामेंट में आके हाई करंट में, हाई करंट हो गया तो हाई वोल्टेज तो नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उसका कोई वजह नहीं है। फिर से ये हाई करंट आके यहाँ से आके ये ब्लास्ट में जा रहा है, तो जब भी ये ब्लास्ट में फिर से आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये ब्लास्ट में हाई, अब हाई करंट आ गया। अब जैसे ही ये हाई करंट आ गया तो ये हाई वोल्टेज क्रिएट करता है, क्योंकि इसका नेचर ही है ब्लास्ट का, ये हाई वोल्टेज क्रिएट करता है। कैसे करते हैं हम आगे बताने वाले हैं, तो पहले सिर्फ कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। तो ये जैसे ही हाई वोल्टेज क्रिएट कर दिया, तो ये जब भी ये हाई वोल्टेज जाके इस फिलामेंट में जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे ही हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो एक इनफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे हाई, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल, यहाँ से बहुत ज़्यादा लो पोटेंशियल इसके कंपेयर में, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ लो से हायर पोटेंशियल, जो उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन्स का, लो से हायर पोटेंशियल फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लो से हायर पॉइंट क्या करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, तो क्या अल्टीमेटली आयोनाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हो जाएगा, तो ट्यूबलाइट विल ग्लो अल्टीमेटली। सो कनेक्शन बता दिए, अब हम बताएंगे जो बोले ना उसमें जाके करंट यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके स्टार्टर में घुस गया करंट। अब ये बहुत कम करंट ये स्टार्टर कैसे इतना बना रहा है, तो हम वो बताने वाले हैं। देखो तो स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल ठीक है ना, ये एक्चुअली है ट्यूब स्टार्टर ठीक है ना। ये हम ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये फिलिप्स का है 65 वाट 230 वोल्ट 240 वोल्ट। तो ये 220 टू 240 वोल्ट के इतना वोल्टेज ये कैरी कर सकता है। अंदर में क्या एक्चुअली रहता है, अब इसको अगर खोलेंगे हम, तो खोलने के बाद तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये रहता है, ये मतलब कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम के कोटिंग, और इसके बाद में ये अंदर में एक्चुअली ये आता है, ये एक्चुअली काम का होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कैपेसिटर, ये जो होता है ना ये होता है कैपेसिटर, और ये है जो बल्ब के अंदर में ये दिख रहा है, ये जो बल्ब के अंदर में दिख रहा है ये है बायमेटलिक स्ट्रिप, ये जो है ना ये बायमेटलिक स्ट्रिप है, ये एक बायमेटलिक स्ट्रिप और ये एक बायमेटलिक स्ट्रिप ठीक है ना, और इसके अंदर में ये बल्ब है, ये दिखाई दे रहा है, ये है बल्ब ठीक है ना, ये बल्ब। तो क्या होता है एक्चुअली, ये कैपेसिटर ये बल्ब के थ्रू में, ये देखो ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, ताकि इक्वल करंट, जैसे ही ये करंट यहाँ पे आएगा अंदर में घुसेगा तो क्या करेगा कैपेसिटर का नेचर ये है, जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा ये पूरा करंट ले लेगा, मतलब ये स्टोर करेगा पहले। तो जब भी ये स्टोर करना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बल्ब है, छोटा एक बल्ब, इसके अंदर ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो देखो कि तुम अगर ये जो कोटिंग है, अब इस ऐसा कोटिंग आया जो पहले ट्रांसपेरेंट कोटिंग था ट्यूबलाइट में, तो क्या वहाँ पे क्या था, जो तुम अगर जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन करोगे तो दिखोगे जे वहाँ पे ट्यूब स्टार्टर के तक दिखोगे जे ये एक लाइट यहाँ पे दिख रहा है, तब भी वो ट्यूबलाइट नहीं जला, उसके पहले ही यहाँ पे देखोगे यह ट्रांसपेरेंट कोटिंग है, तो तुम दिख पाओगे कि यहाँ पे जो ये है ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये ग्लो करने में वो लाइट क्या है, वो मतलब सिग्नल दे रहा है कि ये कैपेसिटर करंट फुल्ली स्टोर कर रहा है। तो कि ये कैपेसिटर फुल्ली स्टोर्ड हो जाएगा तो वो पूरा करंट छोड़ देगा, तुरंत ये पूरा करंट छोड़ देगा, तो तुरंत पूरा करंट डिस्चार्ज, मतलब पूरा चार्ज डिस्चार्ज करेगा, मतलब करंट इन द करंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ना। और इसके पहले हम नहीं बताए कि जो जिस टाइम पे, इसका आगे बताने नहीं वाले, ये तो कैपेसिटर और एक बल्ब ये तो पैरेलल में है ठीक है ना, तो पैरेलल में है, ये बल्ब जलने के लिए एक और कनेक्शन है यहाँ पे, तो वो बल्ब जल रहा है, ये जो बल्ब जल रहा है ये बहुत कम करंट जा रहा है उधर, और जो कैपेसिटर जल रहा है ये बहुत ज़्यादा करंट ले लिया, मतलब स्टोर करने के बहुत जल्दी स्टोर करता है ठीक है ना, तो स्टोर करता है। और ये बल्ब के अंदर जो दोनों बायोमेटलिक स्ट्रिप दिखाया, तो बायोमेटलिक स्ट्रिप का मतलब उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो बहुत खाया, ये क्या करता है, जब भी बल्ब ग्लो कर रहा है तो बल्ब गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, जैसे ही बहुत गर्म हो जाए तो ये बायोमेटलिक स्ट्रिप तो उसके अंदर ही है, तो बायोमेटलिक स्ट्रिप क्या करेगा, दोनों एंड को एक साथ हो जाएगा। तो जब भी ये दोनों एंड एक साथ हो जाएगा, मतलब दोनों एक एंड ये खुला रहता है पहले, ये जो इन अंदर में है ना ये सर्किट पहले खुला रहता है, ताकि ये मतलब एक छोटा सा वायर रहता है जो सिर्फ बल्ब जलेगा, वहाँ से ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर पाएगा।
तो क्या होता है एक्चुअली जो दोनों फिलामेंट दोनों ये जो बाइमरी स्ट्रिप ये एक्चुअली ज़्यादा करंट जो कैपेसिटर में अल्टीमेटली मतलब जो छोड़ेगा मतलब ये जो फुल्ली चार्ज होने के बाद जो बहुत ज़्यादा करंट अल्टीमेट तुरंत छोड़ेगा तो वो जा पाएगा कैपेसिटर ये जो बाइमरी स्ट्रिप है इस वायरिंग थ्रू में, पर ये तो खुला रहता है ओपन रहता है। पर ये क्लोज कब होगा जब ये बल्ब ऐसी टाइमिंग होता है ये जब बल्ब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसी कंडीशन में ये बल्ब तो ग्लो कर रहा है मतलब जो सिग्नल दे रहा है कि कैपेसिटर ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है इसके अंदर में दोनों बायोमेट्रिक स्ट्रिप रहता है तो जैसे ही इसका बल्ब के अंदर जो एनवायरमेंट है वो गर्म हो रहा है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप का प्रॉपर्टी क्या है जब भी ये गर्म हो जाएगा तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप ऑटोमेटिकली विल बेंड डाउन। तो जैसे ही ये बेंड करेगा तो ऐसे ही मतलब अंदर मतलब वो क्लोज कर देगा सर्किट और जैसे ही क्लोज कर देगा तो वो क्या करेगा और उसी टाइम पे ये तुरंत कैपेसिटर जो पूरा स्टोर हो गया करंट वो छोड़ देगा। तो ये क्या अल्टीमेटली हो गया बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में मतलब सडनली क्रिएट हो गया मतलब इतना इसके पहले कम करंट जो स्टोर हो रहा था कैपेसिटर में स्टोर हो रहा था तुरंत वो क्या करके पूरा करंट छोड़ दे रहा है पूरा चार्ज छोड़ रहा है मतलब करंट पास होगा चार्ज तो नहीं फ्लो कर रहा तो करंट फ्लो करते हैं करंट फ्लो करके ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप के जो क्लोज हो गया सर्किट अल्टीमेटली उस सर्किट कंप्लीट करके करंट तो बहुत ज़्यादा करंट वो चले जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है बहुत ज़्यादा करंट तुरंत बढ़ा देता है और जो तुरंत बढ़ा देता है उसी टाइम पे वो बल्ब गर्म हो जाता है एनवायरमेंट और बायोमेट्रिक स्ट्रिप जोड़ जाता है और जैसे ही जोड़ जाता है उसी सर्किट जो क्लोज हो गया उसी वायर से वो जो बहुत ज़्यादा करंट वो फ्लो होकर बाहर आ जाता है। अब ये हो गया ट्यूब स्टार्टर का काम ट्यूब स्टार्टर ऐसे ही काम करता है। तो ये इसका काम ही मतलब इसका मेन रीजन है ऐसे कैपेसिटर के थ्रू में और बायोमेट्रिक स्ट्रिप के ये क्लोज कर देते हैं अल्टीमेटली इसी प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा करंट क्रिएट कर देते। अब बहुत ज़्यादा करंट लेकर के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमको चाहिए इतना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज हम कैसे क्रिएट करेंगे तो वो कैसे क्रिएट करेंगे वो है अब ये जो सर्किट है स्टार्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा हाई करंट क्रिएट हो गया। अब ये हाई करंट क्या करेगा इस फिलामेंट में आएगा तो ये हाई करंट करके तो कुछ नहीं कर पाएगा इसको चाहिए पोटेंशियल मतलब वोल्टेज चाहिए। ये अगर यहाँ पे वोल्टेज कुछ लगा देते तो ये वोल्टेज अगर मिल जाता तो ये हाई वोल्टेज मिल जाता यहाँ पे हाई वोल्टेज मिल जाता यहाँ पे लो वोल्टेज हो जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता। पर यहाँ पे नहीं हो रहा है यहाँ पे सिर्फ करंट हाई आ रहा है तो करंट लेके हमको कुछ नहीं चाहिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये करंट यहाँ पे आके तो ये तो क्लोज ही है सर्किट तो ओपन नहीं कर पाया ये स्विच ऑन ही है तो यहाँ पे ब्लास्ट पे आया। तो ब्लास्ट का एक्चुअल काम क्या होता है ऐसे ये हाई करंट आएगा ये इस ब्लास्ट के अंदर घुसेगा तो जैसे ये वाइंडिंग के थ्रू में करंट जाएगा दैट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस लॉ के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वो जो हाई करंट जो जा रहा है तो जितना ज्यादा करंट हम यहाँ पे पास कराएंगे तो उतना ही ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे काम कर रहा है तो उतना ही ज़्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो इसके पहले क्या था 230 वोल्टेज में जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना करंट फ्लो होके यहाँ से जाके थोड़ा सा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा वो सफिशियंट नहीं है ट्यूबलाइट के लिए वो तो 800-900 चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आकर तब वो हाई करंट हो गया अब हाई करंट यहाँ से फ्लो करके हमको दे रहा है हाई वोल्टेज। जैसे ये हाई वोल्टेज दे दिया हम ये वोल्टेज जाके मिला कहाँ से इस फिलामेंट से मिल गया तो इस फिलामेंट क्या होगा बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो गया और यहाँ पे तो लो पोटेंशियल भी है ये तो था हाई करंट में हाई करंट में तो कुछ हाई पोटेंशियल तो नहीं बनता है। तो क्या हो गया हाई पोटेंशियल यहाँ पे बन गया और यहाँ पे लो पोटेंशियल बन गया। तो एक्चुअली क्या इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा लो पोटेंशियल जो थ्योरी है लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल फ्लो करना शुरू हो जाएगा करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो क्या होगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन्स का आयोनाइजेशन भी हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया
तो नहीं, उसके पहले और भी एक बताने वाले हैं। तो आयोनाइजेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी ले लिया, तो वो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी एमिट करेगा किस फॉर्म पे, यूवी रेस के फॉर्म में। यूवी रेस के फॉर्म में करेंगे तो हम तो नहीं देख पाएंगे, तो जो फॉस्फोरस कोटिंग इसके वॉल में हम दिए दिए थे, तो वो क्या करते, वो यूवी रेस जैसे ही फॉस्फोरस कोटिंग से टकराता है तो वो व्हाइट लाइट हमको विजिबल देते हैं। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस सिर्फ इस कारण से ही देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यूवी लाइट यूवी रे के थ्रू में एनर्जी एमिट करता है और वो यूवी रे हमको नहीं दिखता है, तो वो यूवी रे विजिबल करने के लिए ये फॉस्फोरस कोटिंग इसके वॉल में लगा देता है। जैसे ही ये फॉस्फोरस कोटिंग से टकराता है यूवी रेस, तो तैसे ही बाहर में ये व्हाइट लाइट विजिबल करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बताने वाले हैं कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर में आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन या क्रिप्टॉन गैसे हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम द यूज ऑफ दिस गैसेज, ये गैस हम अगर यूज करते हैं, द यूज ऑफ दिस गैसेज इन द लाइट बल्ब, इन दिस लाइट बल्ब या इस ट्यूब लाइट ये यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्चुअली प्रिवेंट करता है इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट को। ये टंगस्टन फिलामेंट को इवेपोरेट करता है, जो एक्चुअली क्या करता है, रिजल्ट क्या करता है, इंक्रीज बल्ब लाइफ को इंक्रीज कर देता है। ये करता है एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्रेशर रहता है ना इसके लैम्प के अंदर में, ये बहुत कम रहता है, 0.3%, जो पहले ही बताए थे मरकरी वेपर इसके अंदर में बहुत लो प्रेशर में घुसा देता है। वो क्यों, वो फिर से क्यों बोल रहे हैं, मरकरी भी ये ट्यूबलाइट के अंदर में क्यों बहुत कम प्रेशर में इंसर्ट करता है, क्योंकि मरकरी जो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड में रहता है, लो प्रेशर में इंसर्ट करते हैं क्योंकि उसको वेपर फॉर्म में हमको ले आना चाहिए, वो तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर में उसके अंदर डालता है टू मेक इट अ वेपर, ताकि विच इज मोर सुइटेबल फॉर डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे उसके अंदर में डिस्चार्ज करते हैं ना, वो डिस्चार्ज जो हो रहा है ना, तो उसको मोर आसान कर देता है, मोर सुइटेबल कर देता है, ठीक है ना। जो जैसे डिस्चार्ज करने के बाद वो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ना ये बहुत इजी कर देता है, हम अगर मरकरी को लो प्रेशर में वेपर फॉर्म में इंसर्ट कर देता है ट्यूबलाइट के अंदर। तो ये है इसका रीजन।